शांति। आज 17 सितंबर 2022, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है, तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है, तुम्हें इस जन्म में कोड़ी से हीरे जैसा बनना है, इसलिए जितना हो सके बाप को कोड़ी से हीरे जैसा बनना है। हीरा बनना माना बेदाग हीरा बनना। तो बाबा की श्रीमत पर चलकर एक एक दाग को मिटा। प्रश्न, किस एक बात में खबरदार ना रहने से, किस एक बात में खबरदार ना रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है? किस एक बात में खबरदार ना रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है? कौन सी ऐसी बात है? पढ़ाई को छोड़ दे। अगर किसी को भी दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाए, या दुख लिया और दुख दिया तो रजिस्टर। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए, दूसरे को भी दुख देना माना स्वयं को भी दुखी कर। जो खुद दुखी होता है वही दूसरों को। आप खुश हैं, आप किसी को दुख नहीं दे सकते। आप यदि खुश हैं, सुखी हैं, आप किसी को दुख नहीं दे सकते। जो दुखी है वो दूसरों को दुख देगा, नहीं रह सकता, वही दे। बाबा किसी को दुख क्यों नहीं देता? है ही नहीं। कौन सी ऐसी चीज है जो बाबा किसी को दुख नहीं देता? कौन सी ऐसी बात है? हाँ, शरीर नहीं है उसका। तन में आने से तनाव आता है, तन में ना आए हम भी तो हमें भी तनाव नहीं होगा, हम भी किसी को दुख नहीं दे। इसलिए हमें क्या करना है? बाप समान इस शरीर से अलग, जैसे बाबा शरीर से अलग रहता है, कहते जैसे मैं इसमें किराएदार बन के आता हूँ, पढ़ाता हूँ और चला जाता, ऐसे तुम भी इस शरीर में किराएदार बनकर आओ, कर्म करो और फिर।
ये टूटो फूटो मरो गलो सड़ो जलो जो मर्जी इसका होता है। जितनी भी चीजें हैं उनका कुछ भी होता रहे आप पर कोई असर, आप पर, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो एक्यूरेट, मकान गिर रहा है एक्यूरेट टाइम पर गिर रहा है ना, एक सेकेंड पहले नहीं गिर सकता है जी, गिर सकता है नहीं गिर सकता। और हमें जहां जहां जाना है वहां एक्यूरेट टाइम पर पहुंचेंगे, एक सेकेंड लेट नहीं हो सकते, एक सेकेंड पहले नहीं पहुंच। जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है, परंतु मुझे अटेंशन अपने पर देना है कि मेरे को कोई भी एक्ट, चाहे किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, और चाहे मेरा, मेरे से भी कुछ हुआ मैं दुखी ना हूं वो एक्ट चाहे मेरे से भी हुआ, चाहे अच्छा हुआ चाहे गलत हुआ, अब वो हो गया ना, फिर कब होगा वो, अब मैं क्यों दुखी रहूं भाई, है नहीं? मुझे दुखी नहीं होना। यदि मैं दुखी हुआ तो दुख दूंगा, मुझे फिर दुख देने से कोई बचा नहीं सकता। जब बाप कभी किसी को दुख नहीं देते, बाबा किसी को दुख नहीं देता, उसके पास शरीर नहीं है, तो तुम भी शरीर से न्यारे हो जाओ तो तुम भी किसी को दुख, तब बाप समान बनेंगे, तब। कितना आसान आसान बातें बताता है, मुश्किल है कोई? इक्कीस जन्मों का राज्य भाग्य लेने के लिए एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख मत दो, गृहस्थ व्यवहार में बहुत मीठा व्यवहार रहो शरीर में परंतु मीठा व्यवहार करो जो सबको पसंद आए। गीत, तकदीर जगाकर आई हूं, गीत क्या है, तकदीर जगाकर आई हूं, ओम शांति। तुम जानते हो कि हम आत्माएं अपनी क्या तकदीर बनाकर आए हैं, अभी फिर नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना रहे हैं, ये भी जानते हो, वे है जिस्मानी लड़ाई पर तुम ब्राह्मण हो, रूहानी लड़ाई पर नई दुनिया का मालिक बनने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए तुम लड़ाई पर हो, बाप इस समय सम्मुख बैठकर समझाते हैं तो ठीक लगता है, बाहर निकलने से कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स भूल जाते हैं, तुम मुरझा जाते हो, बाप है श्रीमत देने वाला, नई दुनिया का स्वराज्य देने वाला, नई दुनिया का स्वराज्य किसको,
नई दुनिया का स्वराज्य, हर एक को अपना अपना राज्य, हर एक को अपना अपना राज्य, कोई किसी का दूसरे ऊपर राज्य नहीं करना, हर एक अपना अपना राजा बने तो राम राज्य हो, हर एक अपना अपना राजा बने तो राम राज्य हो। अपना राजा बनना है, मैंने किसी को दुख नहीं देना है, मैं आत्मा हूं, मैंने सबको सुख देना है, दुख दिया तो दुख लेना पड़ेगा, आज की मुरली का मेन आधार है। स्व अर्थात आत्मा कहती है पहले मुझे गदाई थी, गधे वाला जीवन, बोझ उठा रहे थे, मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मैंने करना है, ये मैंने करना है, ये मैंने करना है, अब राजाई मिलती है। उनको गदाई क्यों कहते हैं? गधे का मिसाल देते हैं ना, क्योंकि गधे को श्रृंगार कर धोबी लोग कपड़े की गठरी रखते हैं, और गधा क्या करता है? हाँ जी, एक तो सम्मान ढोता है और क्या करता है? जहां मिट्टी देखी वहां लेथड़ी लगाना लग, लेट जाता है बस। तो यहां भी बाप आए हैं बच्चों को स्वराज्य देने, श्रृंगार करने, दाग निकालने, चलते चलते फिर माया की धूल में पड़कर सारा श्रृंगार खलास कर दे। बच्चे खुद भी समझते हैं कि बाबा हमको श्रृंगार करते हैं, अच्छा फिर माया ऐसी प्रबल है जो हमें लम लथेड़ कर श्रृंगार खराब कर दे। सबसे बड़ी धूल है विकार की, सबसे बड़ी धूल है विकार। तुम्हारी लड़ाई है खास विकारों से। बाप कहते हैं काम विकार मां शत्रु है, कैसे शत्रु बनाइए ये कोई भी नहीं जानता। काम विकार हमारा शत्रु कैसे बना ये कोई भी। बाप ने हमको स्वराज्य दिया था, अब गंवाया, फिर बाप आकर विकारों पर जीत पाने की युक्तियां बताते। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई काम महाशत्रु से है। अब बाप कहते हैं कि कामी से क्या बनो? निष्कामी बनो। कामी से क्या बनो? निष्कामी बनो। कामी माना हाँ, कामी माना इच्छा वाला, निष्कामी माना कोई इच्छा नहीं। बाबा को कोई इच्छा नहीं, पानी चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, क्या चाहिए बाबा को? बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा को ये भी नहीं चाहिए कि इसको ज्ञान सुना दूं, मेरा काम करेगा कोई, ये मेरे काम आएगा, ये भी इच्छा नहीं। इच्छा कि इसको जाकर के मैं ज्ञान सुनाऊं, बाबा को ये भी इच्छा, ये भी इच्छा हमारे में ना हो, कोई इच्छा नहीं।
निष्कामी होकर ज्ञान सुनाए, क्योंकि इच्छा से ज्ञान सुनाते हैं ना, ये मेरे परिवार के है ना, इनको थोड़ा अच्छी तरह कोर्स करा दो, इसको कोर्स करा दो, ये मेरे काम आने वाला आदमी है, कभी मुसीबत आएगी ना तो ये हेल्प करेगा। मतलब कोई भी इच्छा रख के किसी को ज्ञान नहीं सुना, ये मेरा बेटा है ना, इसका जीवन तो सुधार दो, मेरी जिम्मेवारी है ना, मेरा पति है ना, इसका तो कल्याण कर दूं। ये आत्मा है इसलिए ज्ञान सुनाना है। कोई भी आत्मा का कल्याण करना है, उस पर रहम करना है, इसलिए ज्ञान सुनाना है। किसी संबंध में आके सुनाया तो वो इच्छा है, वो और वो सुनेगा नहीं तो गुस्सा आएगा, वो चलेगा नहीं तो दुख होगा, मैंने इतनी सिर खपाई की इसके साथ, उसको समझाया वो समझकर चला गया, और ये ना समझा, ये ना सुधरा, तो भी क्या हुआ। निष्कामी अर्थात कोई भी कामना नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं उसको निष्कामी कहते हैं। बाप काम पर जीत पहनाते हैं, कोई को पता नहीं कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ, जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र लगे हुए, इससे सिद्ध होता है देवताओं के वाम मार्ग में जाने से मनुष्य कामी बन जाते, विकारी बन जाते। अभी तुम कामी मनुष्य से निष्कामी देवता बन रहे हो, तुम्हारी युद्ध न्यारी है, बाबा छी छी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, ये है विषय वैतरणी, विषय विकार मिटाओ, विषय विकारों में गोते खा खा कर अपना जीवन नरक बना दे। तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है, इसमें कोड़ी से हीरे जैसा बनना है सारी बुद्धि की बात, तुम्हें बुद्धि को बाबा की याद में रहना है, आज कल तो मौत के लिए अनेक बॉम्ब्स बनाए हैं, मनुष्यों ने तो कोई गुनाह नहीं किया है, आगे तो लड़ाई हमेशा शहर से बाहर मैदान में होती थी, फिर विजय पाकर शहर के अंदर आते थे, विजय पाकर शहर के अंदर आते थे। आजकल तो जहां देखो वहां बम्स ठोक देते, बच्चों को कहां भी आना जाना है तो बाप की याद में रहे, औरों को याद कराना है, तुम्हारी तो ब्रांचेस खुलती ही रहेंगी, दान क्या करना चाहिए सो भी तुम बच्चे ही समझते हो, क्या दान करना है, जो बाबा ने दिया फ्री में, जो बाबा ने दिया फ्री में वह आगे ट्रांसफर कर दो फ्री में, अपने पास उतना का उतना रहेगा, ट्रांसफर करने में बढ़ जाएगा। उत्तम से उत्तम दान है अविनाशी ज्ञान रत्नों का, पैसा भी एक ना लगे, मजा भी आवे, खुशी भी मिले, उमंग उत्साह भी बढ़े। घर घर में तुम ये हॉस्पिटल खोल दो, घर घर में तुम ये हॉस्पिटल खोल दो, तुम्हारे हॉस्पिटल में दवाई आदि कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाप का परिचय देना है कि उठते बैठते बाप को याद करो, ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ जाना है, ये तो जब कोई याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है, संगठन में बल मिलेगा, संग तारे संग बुढ़े, बाहर जाने
फिर भूल जाते हैं। बाप ने समझाया है, सवेरे उठ बाप को याद करो, याद का चार्ट रखो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, बहुत जगह योग आश्रम है, वे सब हठ योग सिखाते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं। उसको हठ योग कहा जाता है। राजयोग मनुष्य मनुष्यों को सिखला ना सके, विलायत में जाते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने, परंतु वे सब हैं ठगी। परंतु वे सब है ठगी। जाते हैं हम भारत से आए हैं, हम आपको भारत का प्राचीन राजयोग सिखाएंगे, परंतु ना खुद जानते कि राजयोग क्या है, सिखाएंगे क्या राजयोग। सर्वोत्तम संन्यास तो तुम्हारा है, तुम पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। सर्वोत्तम संन्यास तो तुम्हारा है, तुम पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। ये बाप ही आकर सिखलाते हैं। बाप कहते हैं बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करो, तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, पांच विकारों का संन्यास करना है। फिर युक्ति मिलती है, अनेक जन्मों का सिर पर जो पाप है, वह इस जन्म में जो पाप किए हैं वो कैसे छूटे, उसका प्रायश्चित कैसे हो। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ, बाप को याद करना है और चक्र भी घुमाना है। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, इस चक्र से तुम्हारे सब पाप नाश हो जाते हैं। स्वदर्शन चक्र की कितनी महिमा है, उन्होंने फिर दिखाया है। श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चलाया, कितने मर गए। वे तो हैं सब दंत कथाएं, झूठी कहानियां। सुदर्शन चक्र हमने चलाना है, परंतु किसी का गला नहीं काटना। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, एक तो कोई को भी दुख नहीं देना, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा कब भी किसी को दुख नहीं देते, तो तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। दूसरे को दुख दिया गोया, समझे, अपने को दुख दिया लिख दिया। आपने किसी को दुख देकर लिख दिया, जब तेरी मर्जी आवे दे दियो, बिना बराबर किए तो घर जा नहीं से। किसी को दुख देते हैं तो गोया अपने ही खाते में खराब कर दिया ना, खाते में लिख दिया भाई तेरे से मैंने दुख लेना है। नून तो हो गया, वो तो कल्प कल्प के लिए हो गया, परंतु इस कल्प में भी दुख देकर लिख दिया, मरने से पहले जब तेरी मर्जी आवे मेरे को उतना दुख दे दी। समझ में आया? इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए, ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जिससे रजिस्टर खराब हो। बच्चे लिखते हैं बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, उस पर क्रोध आया, आज मैं गिर गया, विकार में गया, बाबा हमारा इसमें मोह है। बहुत रिपोर्ट आती है, या तो बच्चों में मोह, किसी व्यक्ति विशेष में, किसी वस्तु में मोह, क्रोध, विकार कोई भी आया, हर एक को अलग अलग रीति से माया प्रभावित करती रहती है। फिर उनको समझाया जाता है तुम्हारा अंजाम वायदा है, तुमने मेरे साथ वायदा किया है कि आप जब आएंगे
तो मैं आपके साथ ही बुद्धि योग रखूंगा। आपका कहना मानूंगा, बुद्धि योग रखना माना, आपका कहना मानूंगा, नष्टो मोहा बनूंगा, किसी और से प्यार नहीं करूंगा, सिर्फ आपका ही कहना मानूंगा, आपसे ही प्यार करूंगा। सन्यासी तो छोड़कर चले जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं, वहां जाकर के भी किससे प्यार करते हैं, परिवार वालों से प्यार करते, वहां भी पैसे कमा कमा करके भेजते रहते हैं। तुमको तो प्राप्ति बहुत है, इसलिए नष्टो मोहा पूरा बनना है, प्यार एक बाप में रखो, उनको ही याद करना है, ऐसे भी बहुत हैं जो बाबा के प्यार में आंसू बहाते। बाबा के प्यार में आंसू बहाते हैं, ऐसे बाबा से हम दूर क्यों हैं? हम तो बस शिव बाबा से ही लटके रहे। यहां प्राप्ति बहुत भारी है, बाहर के सत्संगों में ढेर जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी, दुनिया में कितने सत्संग हो रहे, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं, जैसे गए वैसे आ गए। भगवान पर एहसान करके कि भगवान तेरी हमने 2 घंटे आज कथा सुनी है, कर्मणा सेवा की है, वाचा भी सेवा की है, परंतु चाहे यहां भी हमने सेंटर पर जाकर सेवा भी की, मुरली भी सुनी, उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं आया, मनसा वाचा कर्मणा सेवा भी की परंतु जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, यहां भी वही आया, यहां का भी रिजल्ट वही मिलेगा। प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई, याद की यात्रा तो हुई नहीं, मेरी चढ़ती कला तो हुई नहीं, क्या पता। वे तो ऐसे किसको नहीं समझाते कि काम महाशत्रु है, मनुष्य मनुष्य को राज योग सिखला ना सके, कोई भी मनुष्य मनुष्य को राजयोग। फिर कौन सिखलाएगा, फिर बहने क्या करेंगी, बहने नहीं सिखलाती राजयोग, वो भी नहीं सिखलाती राजयोग, सब सीख रहे, सब सीख रहे, जो कहे कि मैं राजयोग सिखा रहा हूं वो अभी तक खुद को ही नहीं समझ, तू सिखा ही नहीं सकता, सिखाने वाला है। जब तक बाबा की मुरली बाबा का ज्ञान नहीं सुनेंगे, जब तक ये निश्चय नहीं होगा कि ये ज्ञान सुनाने वाला बाबा है, तब तक बाबा से कनेक्शन थोड़ा होगा, उस बहन जी से कनेक्शन होगा, उस भाई जी से कनेक्शन होगा, ये मुरली बहुत अच्छा सुनाते, तो कनेक्शन किससे हो गया, बहन जी से हो गया, बाबा ने आज क्या कहा और मुझे क्या कहा और मेरे को अपने जीवन में लाना है, तब बाबा से कनेक्शन, तब समझो कि हमने मुरली सुनी है। आज बाबा ने क्या कहा, मेरे को क्या कहा, मेरे में क्या परिवर्तन आना है, उसके लिए पुरुषार्थ किया, तो समझो कि मुरली सुनी है, वरना नहीं। फिर बाकी तो कथा सुनी है, बाकी क्या सुनी है, कैसा बाबा है, क्या चाहता है। हाँ जी, हाँ
हाँ, सिर सिर उठ के आते हैं, कोई कोई ऐसा नहीं समझ रहा। हाँ, कोई राजा बनते हैं अल्पकाल सुख के लिए, बहुत दान पुण्य गरीबों को करते हैं, तो कहाँ राजा के पास जन्म मिल जाता है, यहाँ तो तुमको 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। दुनिया में कोई राजा बन गया, उसने दान पुण्य ढेर सारा कर दिया, चलो उस दान पुण्य के कारण उसको सौकारी मिल गई, राज्य मिल गया जितना किया था। बाप कहते हैं एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख मत दो, नहीं तो सजा के निमित्त बन पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो धर्मराज बैठा है। कोई धर्मराज बाबा के पास? डराता है, नए नए बच्चों को डराता है, ये कोई पोस्ट है ही नहीं धर्मराज, कोई किसी को डंडा मारते नहीं है ये, अब ऐसे बहका देता है बाबा, क्यों नहीं धर्मराज है बाबा के पास, हम खुद ही धर्मराज है, हमें ही धर्मराज बना दिया, जो झूठ भी ना बोल सके, क्योंकि हम दूसरे को तो बुद्धू बना दे हैं, अपने आप को तो बुद्धू नहीं बना सकते। ये पोस्ट हम सबको दे दी कि तुम सब अपने अपने धर्मराज हो, रजिस्टर में गलती लिख नहीं सकते, डंडा मार के डंडा खाने के लिए लिख देते हो। बहुत सजा के निमित्त बन पड़ेंगे, मुख से बोलो, इंद्रियों से कुछ विकर्म किया तो वे कर्मणा हो जाएगा, मुख से कुछ बोला, शरीर से कुछ किया, ये सारा बोलना भी क्या है, कर्मणा। आपने कानों से सुना वो भी कर्म, कानों से भी कोई विकर्म होता है, गंदी बात सुनी वो जहर अंदर आ गया, फीलिंग आ गई, गंदी बात सुनी तभी तो महसूस हुआ उसने मेरे को ऐसे बोला, अच्छा बोला ना, अच्छा किया ना, हिसाब बराबर किया ना, बोलने दो। कैसी कैसी बात है, बाबा बातें सिखाते हैं, कोई कुछ भी बोलो कुछ भी करो, हम चिकने घड़े हिसाब बराबर करते रहते, क्या करते रहते, अच्छा किया। तूफान भल आए परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है, क्रोधी से क्रोध नहीं करना चाहिए, मुस्कुराना होता है। क्रोध में मनुष्य गाली देते हैं, समझते हैं इनमें क्रोध का भूत आया है, ज्ञान से समझाना होता है। गृहस्थ व्यवहार में तुम्हारा व्यवहार बहुत मीठा होना चाहिए, बहुतों के लिए कहते भी हैं कि आगे तो इनमें बहुत क्रोध था, अभी अभी क्या है, बहुत मीठे बन गए, अभी क्या है, बहुत मीठा बन गए। महिमा करते हैं, कोई तो पवित्रता पर बिगड़ते हैं कि विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी। अरे सन्यासी विकार में नहीं जाते हैं, फिर उनके लिए तो कुछ कहो, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता, पवित्र बनना तो अच्छा है ना, यहां तो घर बार भी नहीं छुड़ाया जाता, बहुत मीठा बनना है, सबसे एक बात को याद करना है, वो है रचयिता और हम हैं वर्षा। बाप से मिलता है, भाई भाई से वर्षा मिल ना सके, गाते भी हैं हम सब भाई भाई हैं तो जरूर बाप भी होगा, भाई तुम भाई भाई हो तो तुम्हारा बाप भी होगा ना, कोई ब्रदर्स बाप बिगर होते हैं क्या? अभी देखो तुम कैसे भाई बहन हो बनते हो, वर्षा दादे से मिलता है, मुख वंशावली ठहरे, गाया भी जाता है प्रजापिता,
इतनी सारी प्रजा है तो जरूर एडॉप्टेड होगी, कुक वंशावली हो न सके, तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। ये बाजोली तुम खेलते हो, ये चक्र फिरता रहता है, इनका कोई रचना कहा जाता है, इनको नई रचना कहा जाता है। तुम बच्चों की तकदीर अब अच्छी बन रही है, नर से नारायण बनने आए हो। ये है, क्या है ये? एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्मी नारायण बन रहे हो, लक्ष्मी नारायण। चित्र सामने खड़े हैं, फिर ये क्यों कहते हैं कि साक्षात्कार हो तब हम माने? अरे अरे, तुम्हारा बाप मर जाए तो चित्र तो देखेंगे ना, ऐसा थोड़े कहेंगे कि बाप जिंदा हो जाए। बाप का दीदार हो तब माने, बाप को देखना है तो नवदा भक्ति करो। लाइन समझ में आई है? लक्ष्मी नारायण बन रहे हो, चित्र सामने खड़े हैं, फिर ये क्यों कहते हो कि साक्षात्कार हो तब हम माने? जो तुम बनने के लिए यहां आए हो उनके चित्र तुम्हारे सामने है, चित्र तो देखोगे। अरे तुम्हारा बाप मर जाए तो चित्र तो देखेंगे ना, ऐसे थोड़े कहेंगे कि वे बाप जिंदा हो जाए। वे बाप मर गया, अब उसका क्या देखोगे? चित्र तो देखोगे ना। अब ये तो ना कहोगे कि बाप जिंदा हो जाए। बाप का दीदार हो तब माने, बाप को देखना है तो नवधा भक्ति करो, तो बाबा वो साक्षात्कार करा दे, चित्र दिखा देगा तुम। यदि ऐसे चित्र जो सामने है उसको देखकर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो नवधा भक्ति करो, फिर तुम्हें बाबा सपने में दिखा देगा, चित्र देख लो भाई, वो भी झूठा वो भी नकली। कौन सा दिखाएगा? जो सामने वाला है, जिसकी रोजाना तुम पूजा करते भक्ति करते, वही चित्र सपने में दिखा देगा। हो गया, दर्शन हो गए मेरे को भगवान के, आज तो बाबा रात को आके मेरे को दर्शन करा गया, कह गया मैं बस तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। पर तो साक्षात्कार से होता क्या है? यहां तो तुमको साक्षात्कार होता है, तुम सो देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो ये समझने की बात है। याद है किसी को साक्षात्कार या भूल गया? साक्षात्कार होता है यहां, साक्षात्कार क्या होता है ऐसे तो ना बताया था। साक्षात्कार, आप में से समस्या है कि किसी ने साक्षात्कार दिया नहीं, ये बात है ना। इंटरव्यू अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटरव्यू। हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार, क्योंकि इनकी भी नौकरी लगी धर्मचंद जी की, बस गए नाम बताया और नौकरी लगा दी इनकी। आजकल जब नौकरी लगती है तो पूरा उसके बारे में पूछा जाता है, नहीं मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई नौकरी लगने जाते हैं, नौकरी लगने का मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को जाने, आप में से कोई नौकरी लगा नहीं, शादी के टाइम पर भी शादी हुई तो किसी ने पूछा नहीं, वरना आजकल शादी के टाइम पर भी इंटरव्यू होता है, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पूछते हैं, ये काम करेंगे ये करेंगे, ये होगा ये होगा ये होगा। वो भी हमारा जमाना पुराना था, पूछने का जमाना बेकार दिया, मान लिया हमने, इसलिए हमें पता नहीं। इंटरव्यू माना एक दूसरे को जानना, कि हम एक दूसरे में कैसे सहयोगी बन सकते हैं ये जानना।
क्योंकि आप मालिक से बात करते हो, ये भी एक इंटरव्यू होता है कि हम आपका ये काम करेंगे और हम आपको इतने पैसे देंगे, ये इंटरव्यू है। आपने काम को पहचानना है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मालिक ने आपको पहचानना है कि आप ये कार्य कर सकते हो या नहीं कर सकते, इसको काम दूँ कि ना दूँ, समझ रहे, ये इंटरव्यू होता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि बाबा की मुरली से हमें समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना, क्या करने से हमको क्या मिलेगा, फिर हम करते। तो यहाँ बाबा के इस बात कहते, यहाँ आते हो तो तुम्हें साक्षात्कार होता है कि देवता बनना है तो ये करो, ये करेंगे तो देवता बन जाए, यहाँ साक्षात्कार होता है। बाकी कोई फोटो दिखाने से कुछ नहीं हो जाएगा। तुमको इसी धुन में रहना है कि हमने देवता बनना है। तुम तो जानते हो कि अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, अभी लड़ाई लग ही नहीं सकती। कर्मातीत अवस्था अर्जुन कहाँ हुई है, अभी तुम देखेंगे कि गली गली में ये रूहानी हॉस्पिटल कॉलेज खुलते जाएंगे, बाबा बुद्धि का ताला खोलते जाएंगे, ब्राह्मणों की वृद्धि होती जाएगी, ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, तुम्हारे में भी ताकत आती जाएगी। अभी भाषण से एक दो निकलते हैं, फिर 50-100 निकलेंगे, पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। होना तो है ना, होना तो है ना। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, छोड़ना नहीं है, कोई निकाल भी देते हैं कोई, परंतु इसमें नष्टो मुहा अच्छा हो। बहुत सारे फोन आते हैं इसी प्रकार के कि यदि मैं पवित्र नहीं रहूंगी तो मुझे घर से निकाल देंगे। मैक्सिमम इसी पर फोन आते हैं। इसमें नष्टो मुहा अच्छा होना है, निकाल देते हैं तो निकाल दे। इसलिए बाप शरण भी बड़ी खबरदारी से देते हैं, नहीं तो फिर यहाँ आकर तंग करते हैं। बच्चों को तो बहुत मीठा बनना है, तुम्हारा ज्ञान है ही गुप्त, कान में मंत्र देते हैं ना, तुम भी किसको कहते हो, शिव बाबा को याद करो, आगे चल सिर्फ कहने से ही बुद्धि में ठका हो जाएगा, बुद्धि में ठका हो जाएगा और झट पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। धीरे धीरे झाड़ बढ़ेगा, बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है, नंबर वार बनते हैं ना, सब एक समान तो नहीं होते हैं। हाँ, सतयुग में सब पवित्र हो जाएंगे, वहां दुख का नाम नहीं होता है, दीप माला होती है सतयुग में। दशहरा है संगम युग, दिवाली कहाँ होती है, सतयुग में। दशहरा कहाँ होता है, वहां तो सदैव दिवाली है, सबकी ज्योति जगी हुई है। दिवाली का अर्थ ही है कि सब आत्माओं की ज्योति जग जाती है। ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई दीपावली मनाते हैं, वहां सब आत्माओं की ज्योति जगी हुई है, ये दीपावली है। दीवे आदि जगाते हैं नहीं, वहां तो खुशियां मनाते हैं जब कारोनेशन होता है। ये ज्ञान की बातें हैं, हर एक की आत्मा साफ शुद्ध होती है, वहां सब पवित्र ही होते हैं। तुमको रोशनी मिली है, जैसे बाबा को नॉलेज है वैसे तुम बच्चों को भी है, बाकी तो वहां सब पवित्र ही होते, तो खुशियां ही खुशियां हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चों को, कभी डरना नहीं है, तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल ही अलग है, तुम्हारी लड़ाई है ही पुराने दुश्मन रावण से। तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो, बाप तुमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके, अभी टाइम बाकी थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, कल्प पहले माफिक हम राजयोग, कल्प पहले माफिक हम राजयोग सीख रहे हैं। गुप्त कैसे सीख रहे हैं,
कितनी गुप्त पढ़ाई है, इसमें इसको कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया है वही अब लेंगे, उन्हों का ही पुरुषार्थ चलेगा। जितना जितना रावण पर जीत पाते जाएंगे उतनी याद से शक्ति मिलती जाएगी। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाना, बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाना। फोटो में कोई ही निकलते हैं फिर भी माया का थप्पड़ लगने से फैल हो जाते हैं। माया भी सर्वशक्तिमान है तो बाबा भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प तो माया भी जीत लेती है, माया भी जीत लेती है ना, तो बाप को याद करना है और बाबा की श्री मत पर चलते रहना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चा प्यार एक बाप से रखना है, बाकी सबसे नष्टो मोहा बनना है। मुख सेवा कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। रजिस्टर सदा ठीक रखना है। नंबर दो, सर्विस में कभी थकना नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल, सबको याद की दवाई देनी है, सबको याद की दवाई देनी है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रहे, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव। रहो परिवार में, प्रवृत्ति में रहते परंतु लौकिकता से न्यारे, परिवार भी अलौकिक बन जाए। सबको आत्मदृष्टि से देख, रहना परिवार में है परंतु लौकिक रीति से नहीं, लौकिकता से न्यारे रहे, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त, जरा भी अटैचमेंट ना हो। क्योंकि सब आत्माएं हैं, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। खत्म, प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि ये परिवार मुझे क्यों मिला है। बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते आए परिवार क्यों मिला है, आप इस परिवार में क्यों आए हो, आपका घर कहाँ है। अच्छा ये बताओ आपका घर कहाँ है, इस संसार में कहाँ है। मधु अब याद आया है नहीं, आपका घर है। हाँ इसको याद आएगा, रतन भाई जाता नहीं तो कैसे याद आएगा। मधुबन है आपका घर, तो ये जहाँ रहते हो ये क्या है आपका, अब याद आई बात, अब याद आई कि अब ये जहाँ आप परिवार में रह रहे हो ये आपका सेवा स्थान है, ये आपका घर नहीं है। ये क्या है आपका घर, तो मधुबन है, घर तो मधुबन है, तो ये है सेवा स्थान। तो सेवा स्थान पर क्या करते हैं, सेवा करते हैं। क्या करने आए हो यहाँ, सेवा करने। तो कैसे उल्टे उल्टे पाठ पढ़ा रहे, सही पाठ पढ़ा रहा है। कहते घर है तुम्हारा मधुबन, जहाँ साल दो साल छह महीने में कभी कभी जावे है नहीं, और जहाँ सारा दिन सारी रात रहवे वो हमारा सेवा स्थान। चलो भाई समझ लो इस बात को कि ये हमारा क्या है, सेवा स्थान है। मैंने इन्हीं आत्माओं के साथ आकर्म का खाता बनाना है ताकि सतयुग में ये मेरे साथ
अकर्म का खाता रिटर्न करने के लिए मिले, क्योंकि मैंने इनके साथ अकर्म का खाता बनाया हुआ होगा तो ये मुझे सतयुग में मिलेंगे अकर्म का खाता रिटर्न करने के लिए। मैंने ईर्ष्या का, बदले की भावना का, झगड़े का, दुखी रहने का पाठ इनके साथ बनाया तो ये मुझे क्या करने के लिए मिलेंगे? दुख का हिसाब किताब बराबर करने के लिए मिलेंगे। फिर तो ये मुझे सतयुग में, ये तो सतयुग में ना मिले, फिर तो ये द्वापर कलयुग में मिलेंगे, जो मैं इनको दूंगा और ये फिर मुझे देंगे। सतयुग में तो ना मिले ना, मिलेंगे। ऐसे ऐसे गलत गलत पाठ पढ़ाता है बाबा, सोच समझ के पाठ पढ़ना बाबा, ठीक है कि नहीं? कहाँ पहुंच गए अब आप? सेवा स्थान, आपका घर आपसे लूट कर क्या बना दिया? सर्विस सेंटर बना दिया, ठीक है? जहां भी रहते वहां का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। प्रवृत्ति का अर्थ है परवृत्ति, प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? परवृत्ति में रहने वाले। परवृत्ति मतलब समझ में आया? दूसरों के वातावरण में रहने वाले, अर्थात मेरा पन नहीं, ये मेरे नहीं है, परवृत्ति ये दूसरों की वृत्ति है। मेरे लिए क्या आएगा? स्वसिद्धि, स्ववृत्ति। मेरी वृत्ति क्या है? जो बाबा की वृत्ति, क्योंकि मेरा साजन तो उससे अच्छा तो मेरा कोई आए ही नहीं। हाँ, मेरापन नहीं, बाप का है तो परवृत्ति। तो कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे। किसी में भी लगाव ना, किसी में भी लगाव, वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक, वातावरण लौकिक नहीं कैसा हो? अलौकिक। किसी में अटैचमेंट होगा तो परिवार बन जाएगा, किसी से अटैचमेंट नहीं होगा तो अलौकिक परिवार हो जाएगा। किसी से भी अटैचमेंट अलौकिक हो, कहना और करना समान हो, नंबर तब नंबर वन मिलेगा। सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो। बाबा ने खजाने दिए ना, उनसे क्या रहो? सदा संपन्न और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियां आएंगी और बदल जाएंगी, आएंगी और बदल, चली नहीं जाएंगी। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।